लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ईडी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन भेज रही है। मंत्री अतीशी ने हाल ही में कहा था कि ईडी दुर्गेश पाठक को बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी। अब उनकी बात सच होते नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आज ईडी ने दुर्गेश पाठक को समन जारी कर पेश होने के लिए बुलाया, जिसके बाद दुर्गेश पाठक ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी प्रभारी भी हैं। दुर्गेश पाठक को ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार से पहले आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश कर रही है। ऐसी और खबर देखने के लिए बने रहिए एक सोच के साथ। धन्यवाद।